गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एंटीजन ऑन ब्लड सेल्स। जैसे हमने लास्ट टॉपिक था एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, वैसे हिसाब से ही कंटिन्यू में लेते हुए हम पढ़ेंगे आज एंटीजन ऑन ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स में हम देखेंगे कि एंटीजन कैसे होते हैं और उसके हिसाब से ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होते हैं। देर आर सेवरल नोन एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ ह्यूमन आरबीसी सेल्स। अगर हम देखें तो बहुत सारे सेवरल्स एंटीजन ह्यूमन आरबीसी के ऊपर में पाए जाते हैं। दीज एंटीजन गिव राइज टू डिफरेंट ब्लड ग्रुप। इसी आधार पर हम देखें कि हमारे ह्यूमंस में डिफरेंट टाइप का ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन दी आरबीसीज। अगर हम देखें दुनिया में अलग अलग स्पीसीज में, अगर देखें दे आर मेन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ब्लड ग्रुप इस सिस्टम इज फाउंड इन एनिमल किंगडम सिस्टम। एनिमल किंगडम सिस्टम में अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, आर एच, डफी, किड, लेविस, पी एम एन एस, बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस आर द डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम इन द एनिमल सिस्टम। अगर हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्पेशली ह्यूमंस का, जिसको हम ए बी ओ और ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम समझेंगे। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम माने ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें हम अपना ब्लड ग्रुप जो बताते हैं, हमेशा डिस्कस करते हैं, उसको ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहा जाता है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में द ए बी एन ओ ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट एंड ए बी आल्सो। हम जानते हैं कि किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है। तो दीज आर द ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन। तो सबसे हम पहले हम डिस्कवरी जान लेंगे, हम हिस्ट्री क्या है। ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टैनर इन 1900 सेंचुरी। 1900 के दशक में कार्ल लैंडस्टैनर ने ए बी और ओ, तीन ए बी और ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का डिस्कवरी किया था। लेटर ऑन उनके स्टूडेंट द लेटर ऑन ब्लड ग्रुप ए बी वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टैनर स्टूडेंट डिकोस्टोलो एंड स्टर्लिस इन 1902। लैंडस्टैनर के ही दो स्टूडेंट ने चौथा ब्लड ग्रुप, जिसको ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं, वो डिस्कवर किया। लैंडस्टैनर वॉज फॉर द वैल्यूबल डिस्कवरी ही वॉज अवार्डेड बाय नोबल प्राइज। ही फाउंड टू एंटीजिन। अब इन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम जो ए बी और ओ निकाले थे तीन, उन्होंने देखा क्या पर देखा, ही फाउंड दैट टू एंटीजिन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी प्रेजेंट नोन एज एंटीजिन ए एंड एंटीजिन बी। उन्होंने देखा कि ह्यूमन आरबीसी के ऊपर में दो तरह के एंटीजिन मिलते हैं, उन्होंने उनका नाम दिया एंटीजिन ए और एंटीजिन बी। ही ऑल्सो नोटिस दैट करस्पॉन्डिंग एंटीजिन ऑफ द सीरम इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड, दैट इज अ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। उन्होंने देखा कि आरबीसी के ऊपर में जो एंटीजिन होगा उसको नाम दिया एंटीजिन ए और एंटीजिन बी। ये आरबीसी की बात है ना, मतलब आरबीसी में क्या है, एंटीजिन ए और एंटीजिन बी। लेकिन हम देखते हैं कि आरबीसी कहाँ होता है, ब्लड के अंदर में होता है। तो ब्लड में जो सीरम होगा, प्लाज्मा होगा, उसमें जो एंटीजिन का एंटीबॉडी होगा, वो उन्होंने बताया कि उसमें दो तरह के एंटीबॉडी भी होते हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। मीन्स दे इट फाउंड द आरबीसी कंटेन एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजिन एंड सीरम कंटेन एंटीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी एंटीजिन एंड एंटीबॉडी ही जस्टिफाई और आइडेंटिफाइड द थ्री ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और उनके स्टूडेंट ने क्या निकाला था, ए बी दोनों वाला ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। ऐसे ह्यूमंस में कितने हो गए ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ, जिसे आप जानते हो, सभी लोग जानते हो, कुछ नई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा यहाँ हमको जेनेटिकली बेस पे समझना है कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, ये चार्ट आपके बुक का ही है, इसको समझना है स्टूडेंट। सॉरी, इन एबीओ ब्लड सिस्टम द ब्लड ग्रुप आर डिटरमाइंड बाय प्रेजेंस एंड और
ऑप्शंस ऑफ एंटीजन ए एंटीजन बी। ह्यूमन के ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड ग्रुप को जस्टिफाई करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले एक चीज दिखी जाती है, वो है प्रेजेंस और ऑप्शंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी, कि उस व्यक्ति में, पर्सन में, ह्यूमन में एंटीजन ए है या बी है या दोनों अब्सेंट है। ग्रुप पर्सन क्लासिफाइड ऑन द 4A, B, AB एंड O, इसी आधार पर पर्सन को AB, AB और O ऐसे तीन चार ब्लड ग्रुप में डिस्टिंग्विश किया जाता है। तो सबसे पहले हम चार्ट समझ लेते हैं, बहुत आसान सा स्टूडेंट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहला लेते हैं हम दिस वन ए। अब एक में क्या बोलता है कि जीनोटाइप, हम जानते हैं जीनोटाइप क्या होगा कि उसमें एंटीजिन ए वाले दोनों होंगे या एंटीजिन ए और ओ वाला होगा, जिसके RBC के ऊपर में एंटीजिन ए रहेगा तो सीरम में एंटीबॉडी बी रहेगी, ए का अपोजिट बी, एंटी जीन क्या है ए तो एंटीबॉडी बी। अब दूसरा हम आते हैं बी की ओर, बी में उसका उल्टा, एंटीबॉडी कौन सी रहेगी, बी रहेगी, दोनों बी बी वाले रहेंगे या बी प्लस जीरो या ओ वाला मतलब अपसेंट। एंटी RBC के ऊपर में एंटी जीन क्या रहेगा, बी रहेगा तो एंटीबॉडी रहेगी ए, अपोजिट, यहाँ ए था तो बी था, यहाँ बी है तो यहाँ ए है। ये जो पर्सन है हम बाद में समझेंगे। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब उस पर्सन में ए एंटीजीन और एंटीजीन बी ऐसे दोनों के दोनों जीन रहेंगे, मतलब द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जिस इंसान का है उसके RBC ब्लड के RBC में एंटीजिन ए और एंटीजिन बी दोनों एंटीजिन की जेनेटिक्स या जीन्स मौजूद रहेंगे, मतलब उसके RBC में एंटीजिन ए और एंटीजिन बी दोनों रहेंगे लेकिन एंटीबॉडी उसके सीरम में नहीं रहेंगी, बिल्कुल नील रहेगा, मतलब जो एंटीबॉडी बी और ए दिखा रहा है ये दोनों अब्सेंट रहेंगे। अब आते हैं हम चौथे ब्लड ग्रुप जो ओ कहलाता है। द ब्लड ग्रुप ओ डू नॉट हैव एनी एंटीजिन ए और एंटीजिन बी जीन्स, उसमें एंटीजिन ए और बी के कोई भी जीन नहीं रहेंगे, मतलब उसके RBC पर एंटीजिन ए और एंटीजिन बी कोई भी जीन पैदा करने वाला एंटीजिन नहीं रहेगा, एंटीजिन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों रहेगी, ए और बी दो साथ में रहेगी, बोथ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी इज प्रेजेंट। इस तरह से चार A, B, AB और O रहेगा। अब हम जानते हैं कि कौन किसको देगा और कौन किससे ब्लड लेगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए और AB से ब्लड ले सकता है, कैन डोनेट ले सकता है, सॉरी डोनेट देखते हैं, डोनेट वाला है पहला, ए वाला है तो ए वाले और ए बी वाले को दे सकता है, बी है तो बी वाले को और ए बी वाले को दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप जिसका है वो सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ही ब्लड दे सकता है और जो ओ है वो सभी को दे सकता है, AB, AB और ओ, सॉरी स्टूडेंट, इसलिए उसको यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है और ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ए बी वाले को कोई भी ब्लड दे सकता है, मतलब ए बी वाला दे सकता है, बी वाला दे सकता है, ए वाला दे सकता है और ओ वाला भी दे सकता है। तो ये डोनर की बात हो गई। एक्सेप्ट किससे करेगा, ए ब्लड ग्रुप वाले को ए या ओ वाला दे सकता है, बी वाले को बी वाला या ओ दे सकता है, ए बी वाले को ए बी दे सकता है, बी बी दे सकता है और ए बी और ओ भी दे सकता है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाले को सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाला ही ब्लड दे सकता है। तो ओ कौन है, यूनिवर्सल डोनर, और ये भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कहलाएगा। दिस ऑल अबाउट द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस। ए में क्या रहेगा, एंटीबॉडी एंटीजिन ए, एंटीबॉडी बी,
बी में क्या रहेगा, एंटीजीन बी एंटीबॉडी ए, ए बी ब्लड ग्रुप में सेल में क्या रहेगा, एंटीजीन ए एंटीजीन बी एंटीबॉडी अपसेंट। ओ ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजीन ए और बी दोनों अपसेंट, तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट। ओके नाउ आर एच फैक्टर, विच इज मोस्ट अनदर टॉपिक विच हैव टू डिस्कस नाउ। अब हमने स्टूडेंट हमेशा एक बात सुना होगा कि ए पॉजिटिव है, ए बी निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है। ये हमने सब कई बार सुना है ना कि ये ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव होता है। हम देखते हैं कि ए बी पॉजिटिव को ए बी पॉजिटिव ही चाहिए या ए को ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव चाहिए, ए निगेटिव नहीं चाहिए, वाई। अब ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है, चलो डिस्कस करते हैं। आर एच फैक्टर इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड ब्लड ग्रुप निगेटिव और पॉजिटिव। आर एच इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये जो आर एच फैक्टर है ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा इसको डिसाइड की जाती है कि वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। आर एच फैक्टर आर द एंटीजेनिक प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब एंटीजिन ए और बी के जैसे ही एक एंटीजेनिक प्रोटीन मौजूद होता है कहाँ पर, ह्यूमन के आरबीसी के ऊपर में। इट इज ऑल्सो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लांस टर्नर एंड मिनर इन 1940 1940 के दशक में इन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था। इन्होंने डिस्कस किया और खोज किया, दिस एंटीजीन इज प्रेजेंट इन रेसिनस मंकी सो कॉल्ड आर एच फॉर आर एच दिस रेसिनस रेसेस सॉरी रिसेस मंकी। आर एच फैक्टर ऑल्सो कॉल्ड द एंटीजिन डी, इसको एंटीजिन डी भी कहा गया है या आर एच फैक्टर भी कहा गया है। पर्सन हैविंग आर एच फैक्टर या एंटीजिन बी, जिस व्यक्ति के आरबीसी पे के ऊपर में अगर एंटीजिन बी है तो उसको आर एच पॉजिटिव कहा जाता है, अगर एंटीजिन नहीं है लैक है तो उसको आर एच निगेटिव कहा जाएगा। एंटीजिन डी इंड्यूस द स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रिस्पॉन्स वैन इंट्रोड्यूस इन द आर एच निगेटिव इंड्यूजर। अगर आर एच पॉजिटिव के पर्सन के अंदर में आर एच निगेटिव का ब्लड दिया जाए, मतलब ए बी पॉजिटिव को अगर हम ए बी निगेटिव ब्लड देते हैं तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है और वो इम्यूनोग्लोबिन रिस्पॉन्स कहा जाता है। आर एच ब्लड ग्रुप इन द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ब्लड ट्रांसफ्यूशन। हम जानते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन जो होना है, डोनर देना, किसी को ब्लड देना है या किसी से ब्लड लेना है, तो ये निश्चित किया जाना, कंफर्म करना पड़ता है कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसे ए बी वाले को ब्लड देना है तो पॉजिटिव वाले का ब्लड देना पड़ेगा, अगर ओ निगेटिव वाला है तो उसको ओ निगेटिव ही चाहिए, बी पॉजिटिव है तो उसको बी पॉजिटिव ही चाहिए या ओ पॉजिटिव चाहिए। मतलब वो आर एच पॉजिटिव है तो आर एच पॉजिटिव ही चाहिए, आर एच निगेटिव है तो आर एच निगेटिव ही चाहिए। पॉजिटिव को निगेटिव या निगेटिव को पॉजिटिव डोनेट नहीं किया जाता है। तो पहला ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए ज़रूरी है। एंड इट इन्वॉल्व द हिमेलाइटिक डिसीज इन द न्यू बॉर्न बेबी। एक डिसीज का नाम है HDN या हिमोलाइटिक डिसीज इन न्यू बॉर्न। ये आर एच निगेटिव और पॉजिटिव के कारण ही पैदा होने वाली बीमारी है। इन विच कॉल्ड द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, दिस डिसीज इज फॉर्म ड्यू टू आर एच फैक्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ एम्ब्रोसेस एरिथ्रोसाइट्स ऑफ द फिटस। फिटस के इरिथ्रोसाइट्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने जाते हैं, और ऐसे बच्चे में जिसके अंदर में वेन द आर एच मदर कंसीव द आर एच पॉजिटिव फिटस, अगर माँ अगर आर एच निगेटिव है और उसके अंदर में आर एच पॉजिटिव फिटस कंसीव होता है, प्रेग्नेंट होल्ड हो जाता है, तब ये बीमारियाँ बच्चे में नजर आती है। द आर एच निगेटिव आरबीसी ऑफ फिटस मे एंटर इन द मदर सर्कुलेटरी सिस्टम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कॉज हर टू प्रोड्यूस एंटी आर एच एंटीबॉडी।
ऐसे फिटस माँ के गर्भ में अपना आरएच निगेटिव, जो कि आरएच निगेटिव मदर है, आरएच पॉजिटिव सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर लेता है। उसके कारण उस मदर को बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। एज अ रिजल्ट सबसिक्वेंट आरएच निगेटिव फिटस विल बी एक्सपोज टू द एंटी आरएच निगेटिव आरएच एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय द मदर। अब मदर जब आरएच पॉजिटिव फिटस से ब्लड आरएच निगेटिव मदर के अंदर जाएगा तो मदर आरएच एंटी निगेटिव आरएच बनाएगी और वो बच्चे के बॉडी के अंदर में एंटर करती है, विच रिजल्ट इन द इम्यूनोडायटिक डिसीज इन न्यू बॉर्न। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट HNDN आरएच निगेटिव मदर आर इंजेक्टेड विद दी एंटी आरएच एंटी निगेटिव आरएच एंटीबॉडी ड्यूरिंग द ऑल प्रेगनेंसी कैरी आरएच पॉजिटिव फिटस। ऐसे माँ के गर्भ के अंदर में जब बच्चा आरएच पॉजिटिव होता है तो माँ को एंटी निगेटिव आरएच एंटीबॉडी दी जाती है ताकि बच्चे और माँ दोनों को प्रोटेक्ट किया जा सके। दिस ऑल अबाउट द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। वी विल डिस्कस विद द कॉमन ह्यूमन डिसीज। थैंक यू।